नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर श्री नागा शक्ति अम्मन ध्यान पीदम आदि गोद भराई पूजा शुक्रवार तीसरे सप्ताह 1000 चूड़ियों की सजावट के साथ नागा शक्ति अम्मान को गोद भराई पूजा निसंतान महिलाओं के लिए गर्भराज पूजा की गई और निसंतान महिलाओं को प्रसाद के रूप में 5 प्रकार के चावल दिए गए। 1008 मल रत्सना मरखतलिंग अभिषेकम विशेष पूजा आयोजित की गई। पूजा में भाग लेने वाली सभी महिलाओं को चूड़ियाँ दी गईं। माताजी सरस्वती अम्मल भाग्यलक्ष्मी ने पीली सरसी भगवा जैकेट वस्त्र प्रसाद जगत गुरु श्री लक्ष्मी बाबूजी स्वामी ने आदि मास की थीम पर भक्तों को आशीर्वाद दिया और उत्सव की व्यवस्था केपी मुरुगन गणेश कुमार थंग दुरई द्वारा अच्छी तरह से आयोजित की गई। त्रिपुर संवाददाता सुब्रमण्य की रिपोर्ट। உலக வரலாற்றில் முதல் முறையாக கோவை மாவட்டம் நாஸ்தி ஞானபடுத்தி குழந்தை இல்லாத பெண்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க வேண்டி கற்பராட்சிகை பூஜை நடைபெற்றது. குழந்தை இல்லாத பெண்களுக்கு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு செய்வது போல் வளைகாப்பு மற்றும் 5 வகை உணவுகளால் நெய்வேத்தியம் அம்மனுக்கு படைத்து அம்பாளுக்கு கர்ப்பராஜிகை கர்ப்பம் தரித்து வளைகாப்பு பூஜை நடைபெற்றது. இது உலக வரலாற்றில் அம்பாளுக்கு வளைகாப்பு நடத்துறது இதுதான் முதல் முறை. இதனுடைய தாபரித்த பிரகாரம் இந்த பூஜையில் கலந்து கொண்ட அனைத்து குழந்தை இல்லாத பெண்களுக்கும் குழந்தை கிடைக்கும் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. ஓம் சக்தி.